गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हो चुकी है सुबह और आज मैंने देखिए पहले ही एक्सरसाइज कर लिया है। सुबह सुबह उठकर पहले मैं एक्सरसाइज करती हूँ और फिर बनाती हूँ घर का ब्रेकफास्ट, बच्चों का टिफिन। तो यहाँ देखिए मेरा मैट अभी भी बिछा हुआ है, मैंने अभी तक इसे फोल्ड नहीं किया है। और यहाँ देखिए बिस्तर में मेरे हस्बैंड शोकेस के सारी चीज़ें आज निकाले हैं साफ करने के लिए, मुझे ही करना पड़ेगा उनका हेल्प। विदाउट माई हेल्प वो बिल्कुल कर नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें भी ऑफिस निकलना है। और मेरा बेटा आज उसका छुट्टी है तो देखिए बैठ बैठ के गेम खेल रहा है सुबह सुबह। और मेरी बेटी अब जाएगी स्कूल तो मैं उसका टिफिन जल्दी जल्दी रेडी कर देती हूँ और उसके बाद आप लोगों से बात करूँगी। तब तक आप लोग मेरे इस ब्लॉग को फॉलो करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक दीजिए, शेयर कर दीजिए। रखती हूँ इस डिब्बे में और सर्फ लेकर मेरी काम वाली बाई आ चुकी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कपड़ों को इसमें सोक कर दूंगी। बाल्टी में सोक कर दिया है और अब मैं जाऊंगी टिफिन रेडी करने और सबको ब्रेकफास्ट देने। छत पर थोड़ी देर के लिए चिल आउट करने और देखिए चारों तरफ कितना ग्रीन ग्रीन और खूबसूरत माहौल बना हुआ है। और मेरी आज की जो नेक्स्ट टिप्स है मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, इसी प्लांट पर बेस्ड है। आप लोगों के सामने दिखाने वाली हूँ वेजिटेबल ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर फॉर प्लांट। फर्टिलाइजर बिल्कुल ऑर्गेनिक है। अगर आप हार्मफुल फर्टिलाइजर अपने पेड़ पौधों में इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो मेरे बताए गए इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करके देख सकते हो। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को मैं बिल्कुल डस्ट के रूप में बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 5-6 दिन पहले ही पका हुआ केले का छिलका, मटर के दाने का छिलका, धनिया के बचे हुए छिलके, प्याज का छिलका, अंडे का छिलका, आलू का छिलका और जो भी वेजिटेबल मेरे पास अवेलेबल था उन सबको मैंने अच्छी तरह से कड़े धूप में सुखा लिया था। और अब मैं सारे सूखे हुए वेजिटेबल्स को एक जगह पर कर लूँगी और मिक्सी जार में इसे डाल दूँगी। तो सारे छिलकों को मैं अब एक ग्राइंडिंग जार में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी और फिर मैं बताती हूँ इसके आगे की प्रोसीड्योर। और देखिए यहाँ वेजिटेबल छिलके से बने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बिल्कुल ग्राइंड होकर तैयार है। कितना सूखा सूखा और बढ़िया फर्टिलाइज़र बना है, देखिए आप देख सकते हैं। लोगों को बताती हूँ किस रेशियो में इस फर्टिलाइज़र को फूल के पौधों में या फल के पौधों में इस्तेमाल करना है। एक मुट्ठी भर फर्टिलाइज़र हाथ में लेकर टब के चारों तरफ स्प्रेड कर देना है। फर्टिलाइज़र को डालने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि सुबह ही इन पौधों में पानी डालने का काम करके रखें, इससे मिट्टी जो है वो गीली रहती है। फिर फर्टिलाइज़र देने के बाद मैं यहाँ एक छोनी लूँगी और इस मिट्टी में जो फर्टिलाइज़र मैंने डाला है उसे अच्छी तरह से इसके साथ
खोड़ खोड़ कर मैं स्प्रेड कर दूंगी, जिससे ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल प्लांट के अंदर तक समाए। और मेरी आज की फर्टिलाइज़र आप लोग बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हो। आज की ये फर्टिलाइज़र कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल बी विद मून को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।